हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 7 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 द सन द मून एंड द अर्थ इस लेसन के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स, राइट डाउन द करेक्टेड वंस। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए हैं वो रॉन्ग है, उनको हमें करेक्ट करके राइट करना है। सो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, द मून रिवॉल्व राउंड द सन। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट आएगा आंसर, द मून रिवॉल्व राउंड द अर्थ। मून अर्थ के राउंड रिवॉल्व होते हैं। सेकेंड वन है, ऑन द फुल मून डे द मून द सन एंड द अर्थ आर पोजिशन इन दिस सिक्वेंस। फुल मून डे के दिन मून सन एंड अर्थ की पोजिशन सिक्वेंस दी है, तो इसकी करेक्ट सीक्वेंस आएगी आंसर, ऑन द फुल मून डे द सन द अर्थ एंड द मून आर पोजिशन इन दिस सीक्वेंस। ओके, पहले सन अर्थ एंड मून आएगा। थर्ड नंबर, द रिवॉल्यूशनरी ऑर्बिट ऑफ अर्थ एंड द मून आर इन सेम प्लेन। इसका करेक्ट स्टेटमेंट आएगा, द रिवॉल्यूशनरी ऑर्बिट ऑफ अर्थ एंड द मून आर नॉट इन द सेम प्लेन। द मून्स रिवॉल्यूशनरी ऑर्बिट मेक्स एन एंगल ऑफ अबाउट 5 डिग्री विद दैट ऑफ द अर्थ। यहाँ पे ये सेम प्लेन में नहीं आते हैं, उनमें 5 डिग्री एंगल रहता है। क्वेश्चन वन में फोर है, इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ द मून इट्स ऑर्बिट इंटरसेप्ट द अर्थ ऑर्बिट ओनली वंस। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है आंसर, इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ द मून इट्स ऑर्बिट इंटरसेप्ट द अर्थ ऑर्बिट ट्वाइस। फाइव नंबर, इट इज ऑल राइट टू ऑब्जर्व अ सोलर इक्लिप्स विदाउट प्रोटेक्टिंग द आईज। इसका आंसर है, इट इज नॉट ऑल राइट टू ऑब्जर्व अ सोलर इक्लिप्स विदाउट प्रोटेक्टिंग द आईज, और इट इज नेसेसरी व्यू द सन डेज थ्रू डार्क ग्लासेस। हमें सोलर इक्लिप्स को देखते टाइम हमें आई को प्रोटेक्शन देना चाहिए, ग्लासेस हमें वेयर करने चाहिए, और थ्रू स्पेशल ग्लासेस मेड फॉर दैट पर्पजेस, और उसी पर्पज के लिए मेड किए गए ग्लासेस है वो भी हम वेयर कर सकते हैं। अदरवाइज द इंटेंस लाइट ऑफ सन कैन बी हार्मफुल टू द नेक आई। हमारे आई के लिए वो इंटेंस सनलाइट हार्मफुल हो सकती है। सिक्स्थ वन है, एन एनुलर सोलर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द मून इज इन द पेरिस पोजिशन। इसका आंसर है, द एनुलर सोलर इक्लिप्स ऑकर व्हेन द मून इज इन द अपोजी पोजिशन। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये तीन ऑप्शन दिए हैं, इनमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है सोलर इक्लिप्स का? तो यहाँ पे ऑप्शन बी वन इज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर बी। सेकेंड वन है, द शेप ऑफ द सन डिस्क एट द टाइम ऑफ एनुलर सोलर इक्लिप्स। एनुलर सोलर इक्लिप्स की सन का जो शेप है, डिस्क शेप, वो कौन सा है, ए बी और सी? सो इसमें से बी ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन। अपोजिट पोजिशन ऑफ द मून, इन तीनों पोजिशन में से अपोजिट पोजिशन कौन सी है मून की? तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट है। अपोजिट इसका, इसी वर्ड से हम अपोजिट भी दे सकते हैं। देखो यहाँ पे ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों नजदीक है, ये दोनों भी नजदीक है, पर यहाँ पे अपोजिट दिख रहा है कि नहीं, इन दोनों में थोड़ा गैप दिख रहा है, तो अपोजिट मीन्स ये इन दोनों में डिस्टेंस है, अपोजिट साइड में है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। थर्ड वन है क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल हमें कंप्लीट करना है, इसमें डिटेल्स दिए है फेज ऑफ द मून, मून का लूनर इक्लिप्स में फेज कैसा रहता है, तो वो है फुल मून डे। सोलर इक्लिप्स में फेज कैसा रहता है, न्यू मून डे। अभी सीक्वेंस, लूनर इक्लिप्स में सीक्वेंस कैसी रहती है, मून अर्थ एंड सन, एंड सोलर इक्लिप्स में कैसी सीक्वेंस है, अर्थ मून एंड सन। टाइप ऑफ इक्लिप्स कौन से है, टोटल लूनर इक्लिप्स, पार्शियल लूनर इक्लिप्स, और सोलर इक्लिप्स के टाइप कौन से है, टोटल सोलर इक्लिप्स, पार्शियल सोलर इक्लिप्स एंड एनुलर सोलर इक्लिप्स। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ टोटल इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स का मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना है, तो 107 मिनट्स, और सोलर इक्लिप्स का टोटल मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना है, 7 मिनट्स एंड 20 सेकेंड, मीन्स व्हाट, 440 सेकेंड्स।
क्वेश्चन फोर, ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम। यहाँ पे हमें डायग्राम ड्रॉ करना है, उनको लेबल करना है। पहला हमें कौन सी डायग्राम ड्रॉ करनी है? टोटल एंड पार्शियल सोलर इक्लिप्स। तो ये है टोटल एंड पार्शियल सोलर इक्लिप्स की। देखो टोटल सोलर इक्लिप्स और पार्शियल सोलर इक्लिप्स डायग्राम दी है, अच्छे से ड्रॉ करनी है। यहाँ पे सन है, मून है, अर्थ है, और मून की शैडो जब अर्थ पे पड़ती है तब हमें पार्शियल सोलर इक्लिप्स एंड टोटल सोलर इक्लिप्स ये दिखते हैं। तो अच्छे से ड्रॉ करो। सेकेंड है टोटल एंड पार्शियल लूनर इक्लिप्स। टोटल एंड पार्शियल लूनर इक्लिप्स की डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो है टोटल लूनर इक्लिप्स एंड पार्शियल लूनर इक्लिप्स। तो अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करो, लेबल करो सन अर्थ मून। ओके क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग। उसमें वन है, व्हाई डू द सन द मून एंड द अर्थ नॉट लाई इन वन एंड द सेम लाइन ऑन एवरी फुल मून एंड न्यू मून डे। एवरी फुल मून डे एंड न्यू मून डे में सन मून एंड अर्थ सेम लाइन में क्यों नहीं आते हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर है, द ऑर्बिटल पाथ ऑफ अर्थ एंड दैट ऑफ द मून आर नॉट इन द सेम प्लेन। द मून्स रिवोल्यूशनरी ऑर्बिट मेक्स एन एंगल ऑफ 5 डिग्री विद दैट ऑफ अर्थ। मून्स रिवोल्यूशनरी ऑर्बिट 5 डिग्री एंगल बनाता है जब वो अर्थ के अराउंड रोटेट होता है तब। ऑन ईच न्यू मून डे द लाइन्स ज्वाइनिंग द अर्थ एंड द सन एंड द मून मेक्स एन एंगल 0 डिग्री। सभी न्यू मून डे में अर्थ सन एंड मून में 0 डिग्री एंगल होता है। वेयर एज ऑन ईच फुल मून डे दिस एंगल इज 180 डिग्री, और फुल मून डे में वो एंगल 180 डिग्री हो जाता है। सो द सन द अर्थ एंड द मून मे नॉट बी इन वन स्ट्रेट लाइन इन द सेम प्लेन ऑन एवरी न्यू मून डे और फुल मून डे। इसीलिए एवरी न्यू मून डे एंड फुल मून डे वो सेम लाइन में नहीं आते हैं। क्वेश्चन 5 में 2 है, व्हेन टोटल सोलर इक्लिप्स ऑकर व्हाई इज द पार्शियल इक्लिप्स आल्सो सीन फ्रॉम द अर्थ। जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तब पार्शियल सोलर इक्लिप्स भी दिखता है अर्थ पे से, तो ऐसा क्यों होता है? तो आंसर है उसका, इफ द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ द शैडो ऑफ द मून फॉल ऑन द अर्थ। जब मून सन एंड अर्थ के बीच में होता है तब शैडो अर्थ पे पड़ जाती है। एट सच अ टाइम द सन द मून एंड द अर्थ आर ऑन सेम प्लेन एंड फॉल इन वन लाइन। और उस टाइम सन मून एंड अर्थ तीनों एक लाइन में आते हैं। प्लेस ऑन अर्थ वेयर द मून शैडो फॉल्स, हेंस द प्लेस ऑन अर्थ वेयर द मून शैडो फॉल एक्सपीरियंस अ सोलर इक्लिप्स। तब हमें सोलर इक्लिप्स एक्सपीरियंस होता है। दिस शैडो इज ऑफ टू टाइप्स, सेंट्रल पोजिशन ऑफ द शैडो इज डार्कर एंड पेरीफेरी इज लाइट। तब सेंट्रल पोजिशन की जो शैडो है वो डार्कर दिखती है और पेरीफेरी की लाइट दिखती है। इन द एरिया ऑफ डार्क शैडो ऑन द अर्थ द सन बिकम कम्प्लीटली इनविजिबल। जब डार्क शैडो पड़ती है तब सन इनविजिबल दिखता है। दिस कंडीशन इज नोन एज द टोटल सोलर इक्लिप्स, उसी कंडीशन को सोलर इक्लिप्स ऐसा बोलते हैं। However, during the same period at the same place where the shadow is lighter, उसी टाइम उसी प्लेस पे जब शैडो लाइटर होती है द सन डिस अपीयर पार्शियली कवर्ड, तब सन डिस पार्शियली कवर्ड होती है। दिस कंडीशन इज डिस्क्राइब एज अ पार्शियल सोलर इक्लिप्स, उस कंडीशन को पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। टोटल सोलर इक्लिप्स इज सीन इन एवरी लिमिटेड रीजन ऑफ द अर्थ, टोटल सोलर इक्लिप्स लिमिटेड रीजन में ही दिखता है। क्वेश्चन 3 है, सजेस्ट मेजर दैट कैन बी टेकन टू इरेडिकेट द सुपरस्टिशन रिलेटेड टू द इक्लिप्स। इसका आंसर है, मेजर्स क्रिएट अवेयरनेस टू द पीपल अबाउट द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड द ऑकरेंस ऑफ एन इक्लिप्स। द साइंस ऑफ इक्लिप्स शुड बी इंक्लूडेड इन स्कूल सिलेबस सो दैट द स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड द फेनोमेनन। एजुकेट पीपल हु बिलीव इन सुपरस्टिशन अबाउट द साइंस बिहाइंड इक्लिप्स। Bring awareness to students in school and colleges by showing them films and arranging talk show the debates. Question 4 है, what precaution should we take while observing a solar eclipse? Solar eclipse देखते time हमें कौन सी precaution लेनी है? Answer में आएगा,
डू नॉट लुक डायरेक्टली एट द सन, सन को हमें डायरेक्टली नहीं देखना है। सोलार फिल्टर और इक्लिप्स ग्लासेस प्रोवाइड द ओनली सेफ वे टू लुक डायरेक्टली एट अ पार्शियल और टोटल इक्लिप्स। मेक श्योर द सोलार व्यूअर और ग्लासेस इंक्लूड द मैन्युफैक्चरिंग नेम एंड एड्रेस। जो सोलर इक्लिप्स बनाए हैं उनमें नेम और एड्रेस लिखा है ये हमें श्योर कर लेना है। डू नॉट यूज सोलर ग्लासेस दैट आर ओल्डर देन 3 ईयर्स। जो सोलर ग्लासेस 3 ईयर ओल्डर है उनको हमें यूज नहीं करना है। और हैव अ स्क्रैच लेंसेस, और उन लेंसेस पे स्क्रैच नहीं होगा ये हमें ध्यान लेना है। ओके क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स विल ऑकर इन पेरिज कंडीशन। पेरिज कंडीशन पे कौन सा सोलर इक्लिप्स ऑकर होता है? तो आंसर है टोटल सोलर इक्लिप्स एंड पार्शियल सोलर इक्लिप्स विल ऑकर इन पेरिज कंडीशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।